गोरखपुर में 2023 में 25,000 नए शौचालय बनाया जाएगा, जिसके संबंध में DPRO शाश्वत आनंद सिंह ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 25,000 नए शौचालय प्राप्त हुआ है, जिसकी सूचना सभी लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि जो ऐसे नए परिवार जो जिनकी गोरखपुर में आए हुए हैं और उनके पास शौचालय नहीं है, वो पोर्टल के माध्यम से या ब्लॉक व तहसील पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद उनकी जाँच कराने के बाद उनको 12,000 की धनराशि आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही 736 ग्राम पंचायतों ठोस व अपशिष्ट प्रबंधन के लिए RRC सेंटर का निर्माण होगा, जिससे कि गांव में जल जमाव व कूड़ा से मुक्ति मिल सके और होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि यह आवेदन एक महीने के अंदर करना होगा, जिससे कि शौचालय का निर्माण समय पर हो सके। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए DPRO शाश्वत आनंद सिंह ने कहा, मिशन के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में हमें लगभग 25,000 नए शौचालय व्यक्तिगत शौचालयों का कैप प्राप्त हुआ है और इसकी सूचना हम लोग जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को पहुंचा भी रहे हैं कि जो ऐसे नए परिवार या प्रवासी जो आए हैं जिनके पास शौचालय नहीं है, वो पोर्टल के माध्यम से इसको आवेदन कर सकते हैं या सीधे भी वो ब्लॉक या तहसील या जिले पर आवेदन कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम उनका परीक्षण कराते हुए उनको 12,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त जनपद में 736 ग्राम पंचायतों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी गतिविधियां होनी है, ये नए इस वित्तीय वर्ष में चयन किए गए हैं। तो वहां पे भी हमारा जो सोप पीट, कंपोस्ट पीट, नाडेब, वर्मी कंपोस्ट, RRC सेंटर, इनका निर्माण होगा, जिससे कि गांव में जो जल जमाव है, कूड़ा है, उससे मुक्ति मिल सके, जिससे अनेक बीमारियां होती है, इसे हम संचारी दस्तक अभियान में दूर करने का प्रयास करते हैं। इसको हम कम, इसमें कमी आएगी और जैसे JEE है, इसका भी प्रभाव कम होगा। ये आवेदन अभी तो हमारे पास लगभग एक माह का समय है, उसमें कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जितना शीघ्र करेंगे हम उसका निर्माण करा सकेंगे, जल्दी करा सकेंगे।